पूछते हैं इस जीवन का क्या अर्थ है। हम आते हैं, जीते हैं, बीमार पड़ते हैं और फिर एक दिन चले जाते हैं पता नहीं कहाँ, और सब सपना मात्र ही लगता है। सब सपना मात्र है और जीवन का कोई अर्थ नहीं है। ये बात सुनकर तुम्हें थोड़ा धक्का लगता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि जीवन का कुछ बेशकीमती अर्थ होना चाहिए। फिर तुम्हारे गुरु लोग तुमसे कहते हैं परमात्मा को पाना, आत्मउपलब्धि, ज्ञान को पाना, ये जीवन का अर्थ है। जीवन इसकी परवाह नहीं करता। जीवन न तुम्हारे ज्ञान की परवाह करता, न तुम्हारे अज्ञान की। जीवन न परमात्मा की, न आत्मा की, न शरीर की, वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। जीवन तो बस बहता रहता है, वो बह रहा है। उसका सीधा सीधा कोई अर्थ उद्देश्य नहीं, या कहें जीवन ही जीवन का अर्थ है, जीवन ही जीवन का उद्देश्य है। वो निरंतर अपने अंदर से ही कुछ संभावनाओं को प्रकट करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। जीवन का जैसे ही तुम कोई विशेष अर्थ उसके ऊपर डालते हो, वो सीमित हो जाता है। जीवन सारे अर्थों को पीछे छोड़ देता है। जीवन तुम्हारे सारे आदर्शों, सारे लक्ष्यों को पीछे छोड़ देता है। इसीलिए हमेशा कुछ नया, हमेशा कुछ अद्भुत आता रहता है। लोग जीवन जीने की बात करते रहे हैं, लेकिन सब जीवन से इतने घबराए रहे हैं, धर्म गुरु, धर्म, तो इसीलिए सब कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं। कोई कहेगा ये आखिरी किताब, तो कोई कहेगा ये आखिरी अवतार, ये आखिरी पैगंबर, ये आखिरी प्रॉफेट, ये आखिरी गुरु। क्यों आखिरी? किसने बनाया आखिरी? तंत्र कहता है प्रारंभ ही नहीं है तो अंत कहाँ। तंत्र कहता है बिगनिंगलेस इट इज बिगनिंगलेस एंड इट इज एंडलेस। ये प्रारंभहीन है और अंतहीन, यहाँ आखिर जैसा कुछ नहीं, इसीलिए नया नया आता है। हमेशा कुछ अचंभा, कुछ कौतुकपूर्ण हमेशा आ जाता है। कोशिश रहती है लोगों की कि बस रुक जाओ यहीं पर, क्योंकि इतने तक तो बात समझ में आ गई, आगे किस चीज़ की तलाश करते हो? हो सकता है आगे कुछ नया रंग निकल आए। तुम बुद्धत्व की तलाश करते हो, इनलाइटनमेंट की, लेकिन वो भी सबका अलग अलग ही होता है, अपने ही ढंग का होता है, किसी के एक के जैसा नहीं, क्योंकि तुम ही बिल्कुल अलग हो। अस्तित्व ने तुम्हें ही बिल्कुल अनूठे ढंग से उकेरा है, उभारा है, बनाया है, तराशा है, तो कुछ भी रिपीट नहीं होगा। अस्तित्व में कुछ भी दोबारा रिपीट नहीं होता। यही इसकी सुंदरता है, यही इसका रहस्य है, और कुछ भी आखिर नहीं है। और जब कुछ भी प्रारंभ नहीं है और कुछ भी आखिर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कुछ भी बीच में भी नहीं है। सब जैसा है वैसा ही है, द इटर्नल। तंत्र इज रिलेटेड टू इटर्नल। तंत्र विज्ञान भैरव तंत्र जिस देशना की अवधारणा की बात करता है, वो उस चिरंतन की, शाश्वत की।